मेरा नाम दुली चंद है, उम्र 69 वर्ष, और मेरे गर्दन में जो है ट्यूमर थी, जिसके इलाज के लिए मैं डॉक्टर आदित्य गुप्ता के यहाँ आया, इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। मेरा नाम कविता, और हम यहाँ अपने ससुर जी दुली चंद जी को लेके आए थे। उनको पहले गर्दन में ट्यूमर की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण उनके हाथ और पैर दोनों ही ने काम करना बंद कर दिया था और पूरे बिस्तर पर आ गए थे। और इस समस्या को बहुत ज़्यादा गंभीर होने के कारण हम सर से मिले, उनकी हमने इंटरनेट पे जानकारी मालूम की, उसके बाद उन्होंने हमें इनका ऑपरेशन की सजेशन दिया। और 17 तारीख को इनका ऑपरेशन हुआ, और आज की स्थिति में 10 दिन बाद उनके हाथ और पैर काम कर पा रहे हैं, वो चल पा रहे हैं, वो खड़े हो पा रहे हैं। दुलीचंद जी हमारे पास आए थे, इनकी उम्र है 69 ईयर्स, और इनकी क्या परेशानी थी कि इनके चारों हाथ पाँव में कमजोरी आ रही थी। इनफैक्ट जब ये हमारे पास आए तो ये व्हील चेयर पर आए थे, और इनके हाथों पाँव में बहुत थोड़ी थोड़ी मूवमेंट बची थी। इनका हमने सारे टेस्ट करवाए, MRI में ये निकला कि जहाँ दिमाग और गर्दन के बीच का हिस्सा होता है वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी गांठ नस को बहुत बुरी तरह से दबा रही थी। तो ये एक बड़ी क्रिटिकल एरिया होती है प्रैक्टिकली, जहाँ पे ब्रेन के सारे फंक्शन होते हैं, सारे हाथ पाँव के मूवमेंट का कंट्रोल होता है। अच्छी बात थी कि हमें यह अंदेशा था कि शायद ये बीमारी बिना कैंसर वाली है, तो हमने इनको ऑपरेशन के लिए बताया। 69 इयर्स की एज पे इस तरह का ऑपरेशन कराने से कोई भी चिंता में आ जाएगा, कोई भी डरेगा, बट जो फैमिली थी उन्होंने हमारी बात समझी, हम क्यों ऑपरेशन कर के बारे में कह रहे हैं उसका उन्होंने मतलब समझा, और इनका ऑपरेशन काफ़ी मुश्किल था बट अच्छी तरह से हो पाया। और हमें ये देख के खुशी हुई कि ऑपरेशन के दो दिन बाद ही ये खुद सहारे के साथ चलने लगे, और आज इनके ऑपरेशन के 3 महीने हो चुके हैं, अब ये बिल्कुल बिना सहारे के उठते बैठते खड़े होते और चलते हैं, और प्रैक्टिकली लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि इनकी नॉर्मल लाइफ आगे की रहेगी, क्योंकि जो ट्यूमर हमने निकाला था उसके बायोप्सी रिपोर्ट में भी ये पता चला कि ये बिल्कुल ही बिना कैंसर का ट्यूमर था। मैं डॉक्टर आदित्य गुप्ता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी उपलक्ष्य में सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारी इस गंभीर समस्या का बहुत अच्छे से समाधान किया और हमारे पिताजी को नया जीवन प्रदान किया।